बच्चों में से कुछ ऐसी कहानियां बताएं, जैसे कि आपने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ऐड दिया था कि बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा मत करें, उनको पढ़ाइए। साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस बेटे को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? और ये माँ बाप जो है, इनको समझना होगा कि वो सोचते हैं कि बेटे को तो पढ़ा लें, लेकिन बेटी को हम बगल के कॉलेज से होम साइंस करा लें। लोग वैसी डिग्री के प्रति पागल होते हैं जिसमें लगता है कि बस डिग्री मिल जाए और सरकारी जॉब मिल जाए। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने बच्चों में से जो आपके यानी तो फर्स्ट सेकंड बैच के या फिर रिसेंट बैच के बच्चों में से कुछ ऐसी कहानियां बताएं, जैसे कि आपने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। तो इट अगेन कम्स टू फीमेल एडुकेशन एंड एडुकेटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी बहुत चला, बट हाउ मच इज द नीड, रियल नीड अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो क्यों ऐसा नीड है कि हाँ शिक्षा दर हमारे यहाँ तो कम है, ये हम जान भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये वाई इज इट वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि फीमेल एडुकेशन को हम प्रमोट करें और फीमेल एडुकेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इसको प्रमोट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत जरूरी है राहुल, बहुत जरूरी है। मैं एक हमेशा, मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ऐड दिया था कि बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा मत करें, उनको पढ़ाइए। जब आप बेटियों को पढ़ाइएगा तो वो आपको अच्छे घरों में उनका विवाह भी होगा और बिना दहेज के होगा। आपकी बेटी अगर 70,000 रुपए का तनख्वाह कमाएगी, आपको 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए कमाने वाला दामाद मिलेगा और बिना दहेज दिए मिलेगा, और वो आपके घर में आकर के 70,000-80,000 कमाने वाली बहू को लेके जाएंगे, मांग के लेके जाएंगे। ग्रेट एनालॉजी। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा हो सकता है कि रॉ भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन व्हिच इज वेरी मच एक्सेप्टेड ऑन आवर शो बिकॉज दैट इज अ वेरी फॉर्मेट ऑफ आवर शो। अभी बिहार में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि रॉ भाषा में बात को कहिए ताकि गांव तक बात समझ में आए। जी जी आई गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो लेकिन भाई ऐसे ही समझ जाए लोग, लेकिन आप समझिए ना कि आज क्या है। आप बिहार में कहीं भी किसी भी जगह देखिए, पटना में ही देखिए, लड़कियां क्या पढ़ेंगी? वो होम साइंस पढ़ेंगी, वो साइकोलॉजी पढ़ेंगी, सोशियोलॉजी पढ़ेंगी। मैं नहीं कहता होम साइंस खराब सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी सोशियोलॉजी खराब सब्जेक्ट है, लेकिन कितने लड़के होम साइंस करते हैं, कितने लड़के जो है वो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में जाते हैं। लड़कियां आप देखिएगा उस कॉलेजेस में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में 80-90% होती है। फिर उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है उस पर होगा? अगेन, साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस बेटे को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर साइंस बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप बेटे को इंजीनियर बनाने पे परेशान है, बेटी को क्यों नहीं परेशान है इंजीनियर बनाने के लिए? तो ये जो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स के बीच में ये कॉन्सेप्ट जाए कि हम लड़कियों को अगर पढ़ाते हैं तो हमारी लड़कियां जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अच्छा अर्न करती है, आत्मनिर्भर बनती हैं, कॉन्फिडेंट बनती हैं, और अच्छे घरों में उनका विवाह भी होगा, और फिर वो जहां विवाह के बाद भी रहेंगी वो बेटर पोजिशन में रहेंगी, उनको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है और उनके अंदर एम्पावरमेंट आता है। तो ये अचीवमेंट हुआ। जो आपने कहा कि पुराने स्टूडेंट्स को मैं याद करूं, तो मैं बहुत बच्चियों को याद कर सकता हूं, समीक्षा को मैं याद करूंगा, बेटिया की है, बेटिया सॉरी रक्सौल की है, और मतलब आज उसकी छोटी बहन युक्ता, दोनों जो है हमारे यहाँ की स्टूडेंट और दोनों अच्छा कर रही हैं, और समीक्षा जो है वो अभी टेक्सास में है, यूएस में है, और विप्रो के लगभग 10-12 क्लाइंट्स को वो वहां पे हैंडल करती है। और उसी तरीके से मैं निशी की बात कर सकता हूँ, निशी पटना सिटी के मालसलामी की है और अभी वो लंदन में है, रैक्सपेस में काम कर रही है, 1.25 करोड़ का पैकेज है। तो जो बच्ची, जो आज बिहार की बच्ची जो हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं और वो बच्चे जो हैं आज इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के दम पर हुआ है। तो और ये माँ बाप जो है, इनको समझना होगा कि वो सोचते हैं कि बेटे को तो पढ़ा लें, लेकिन बेटी को हम बगल के कॉलेज से होम साइंस करा लें। इस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा। लड़कियां पढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है, पढ़ रही हैं, लेकिन अब आपको सोचना है कि उनको क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, प्लस उनके अंदर में जॉब ओरिएंटेशन आए। और आपने कुछ चैलेंजेस की बात और कही थी, तो मैं एक बड़े चैलेंज की बात, जो आपने स्टूडेंट लेवल पे भी कही, पॉलिटिकल बात भी कही, फाइनेंशियल बात भी कही, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैं देख रहा हूँ कि बिहार में जो हमारा बेसिक स्कूलिंग सिस्टम है और वहां से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सरकारी स्कूलों से जो आउटपुट मिल रहा है, इसमें साल दर साल बहुत गिरावट आई है। और जो हमारा, मैं देखता हूं कि जो हमारे यहाँ पे इनपुट आ रहा है कॉलेज में, वो मेरे लिए बहुत चैलेंज है कि उसको कैसे हम और इन्हांस करें, बेटर करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि ऑल क्रेडिट टू जो प्रेजेंट रिजाई में, उन्होंने बहुत सुधार किया बिहार में, रोड्स बेटर हुए, पावर आया, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें सुधार हुई। अब एजुकेशन पे भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन
प्राइमरी और जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वहां पर बहुत सारे इश्यूज हुए, जो टीचर्स पहले अपॉइंट हुए, जिस तरह से पढ़ाई हुई, आज बिहार के बच्चों का मैथ्स भी कमजोर हो गया है और इसको सुधारने की कवायद अब शुरू हो गई है। अब आप लोग जान रहे होंगे किस तरीके से हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभियान शुरू कर दिया अटेंडेंस को लेकर के, क्लासेस को लेकर के, रेगुलेशन पूरा मॉनिटरिंग हो रही है और अब बीपीएससी के थ्रू काफी टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको बिहार का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है इस पर काम करना। और इवन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिहार में जिसको सिर्फ और सिर्फ डिग्री का एक बहुत बड़ा प्रेम है। आप देखिएगा लोग वैसी डिग्री के प्रति पागल होते हैं जिसमें लगता है कि बस डिग्री मिल जाए और सरकारी जॉब मिल जाए, खास करके बीएड बीएड है बीएड। अभी आप देखिएगा नर्सिंग है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, इन सब चीजों में लोग, ये सारे अच्छे कोर्स है, मैं कोई बीएड बहुत प्यारा कोर्स है बीएड, हाँ, लेकिन आपने बीएड की क्या हालत कर दी है। बीएड में बहुत लिमिटेड कॉलेजेस होंगे जहां पर रेगुलर क्लासेस होती हो, अच्छे टीचर तैयार किए जा रहे हो, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर एग्जामिनेशन होता है, और वो एग्जामिनेशन भी मतलब मैं इंटरव्यू में कैसे बोलूं कि वो कैसे एग्जामिनेशन होते हैं और उनके पीछे का क्या अर्थशास्त्र है। शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है जी।